हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। तो आज हम लोग जो है फ्री डाउट आस्किंग फैसिलिटी का एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है कि लेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी आई आई टी नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा। ठीक है, पॉपुलेशन जहाँ पे थीटा ग्रेटर देन जीरो है, ऑब्वियसली थीटा ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि सिग्मा स्क्वायर की जगह पे जो है थीटा यूज किया गया है, सो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूज द पाइवोटल क्वांटिटी टू फाइंड 1 अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। केवल आपको पाइवोटल क्वांटिटी का यूज करना है, आपको पूरा फाइंड करके नहीं दिखाना है। बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे पढ़ करके दिखा दूंगा कि इसका कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलेगा। ठीक है, तो वैसे तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो लास्ट स्टेज पे जाके चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जो जनरल वेज है वो आपको शो करके दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन है कि लेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी आई आई डी फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा पॉपुलेशन वेयर थीटा ग्रेटर देन जीरो, यूज द पाइवोटल क्वांटिटी टू फाइंड 1 अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। सबसे पहली बात तो पाइवोटल क्वांटिटी को यहाँ पे हम खोजेंगे कि पाइवोटल क्वांटिटी हमारा क्या होगा। क्यों? क्योंकि मीन वाला भी पाइवोटल क्वांटिटी यहाँ लगा सकते हैं और वेरिएंस वाला भी लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो वेरिएंस के लिए हमको याद होगा कि हम लोग जो है n-1 s स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर करके लगाते थे, और मीन के लिए हम लोग दो तरीके से लगाते थे। कहते थे कि भाई सिग्मा स्क्वायर नोन है या अननोन है अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पे हम लोग सारे पाइवोटल क्वांटिटी को यूज करके देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो है इसका डिस्कार्ड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और फिर मैं लास्ट में आपको सजेस्ट कर दूंगा कि सबसे बेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, कहता है कि इन जनरल देयर कैन बी थ्री पॉसिबल पाइवोटल क्वांटिटी सजेशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आपको दिख रहा है। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो मैं कहूंगा कि ये थर्ड वाला यूज कर लो, आपको जरूरत ही नहीं है सोचने की कुछ भी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्स बार माइनस थीटा रूट अंडर थीटा बाय रूट अंडर है ना, ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0-1। ठीक है, तो ये नॉर्मल 0-1 फॉलो करेगा, एक्स बार माइनस थीटा एस बाय रूट एन ये टी एन माइनस वन फॉलो करेगा, और दिस समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय थीटा एन माइनस वन एस स्क्वायर बाय थीटा फॉलो करेगा, ये जो है काई स्क्वायर एन माइनस वन फॉलो करेगा। ध्यान रही, ये तीनों के तीनों जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द थीटा है जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों के तीनों पाइवोटल क्वांटिटी हो सकते हैं। मैं आपको पहले वाले को सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अगर हम इसको पाइवोटल क्वांटिटी मानते हैं तो एक्स बार माइनस थीटा रूट अंडर थीटा बाई एन। अब जरा सा इसको स्प्लिट करने का कोशिश कीजिए कि थीटा को मिडिल में रख लें और जो अदर टर्म्स हैं उसको दोनों साइड में रख दें, तो आप देखेंगे कि ये मैथमेटिकली इजी नहीं है। ठीक है, अगर इसको न्यूमेरिकली पॉसिबल भी होगा तो मैथमेटिकली इजी भी नहीं है। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट वी कैन नॉट स्प्लिट थीटा फ्रॉम अदर क्वांटिटीज इन जनरल, सो गिविंग जनरल आर्गुमेंट ऑफ मैथमेटिकल इनकन्वीनियंस वी विल नॉट यूज दिस पाइवोटल क्वांटिटी टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसलिए हम इस पाइवोटल क्वांटिटी को यूज नहीं करेंगे। ओके, आप नेक्स्ट देख सकते हैं जो दूसरा वाला है, लेट टी इक्वल टू एक्स बार माइनस थीटा एस बाय रूट एन विच फॉलो टी एन माइनस वन, ये भी एक पाइवोटल क्वांटिटी है, मैंने इसको टी कह दिया है। अब आपको क्या करना है, टी एन माइनस वन अल्फा वन लेस देन इक्वल टू एक्स बार माइनस थीटा एस बाय रूट एन टी एन माइनस वन वन माइनस अल्फा टू विच इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। ध्यान रही, अल्फा वन और अल्फा टू लिया है तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू इक्वल टू अल्फा होना चाहिए इस तरीके से, और टी एन माइनस वन अल्फा जहाँ लिख रहा हूँ उसका मतलब है 100 अल्फा परसेंट जो है पॉइंट टी एन माइनस वन डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कि आपको ये जो है टेबुलेटेड वैल्यू की बात की जा रही है। जो स्टार अपना जो हमने स्टार दिया है ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या इम्प्लाइज करता है कि एक्स बार माइनस जो हम यहाँ पे टी वन मान ले रहे हैं इसको और इसको टी टू मान ले रहे हैं, इसको बार बार लिखने से अच्छा है टी वन एस बाय रूट एन लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू एक्स बार प्लस टी टू एस बाय रूट एन। अब देखिए, यहाँ इसको अगर हम यूज करें तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं टी एन माइनस वन अल्फा वन माइनस अल्फा क्या है और टी एन माइनस वन अल्फा वन अल्फा टू का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं क्योंकि अल्फा का वैल्यू पता होगा जनरली। ठीक है, तो यहाँ से आप पता कर लेंगे। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए कि R1 इक्वल टू है x बार T1 माइनस T1 s बाय रूट एन और R2 इक्वल टू है x बार प्लस T2 s बाय रूट एन। देखिए, मैं ये इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमें आगे इसकी कुछ कंडीशंस शो करनी है कि भाई साहब कहीं कहीं पे देखिए ये टर्म जो है लेस देन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और जब लेस देन जीरो हो जाएगा तो उस केस में तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो हम लोग को जीरो लेना पड़ेगा ना लोअर लिमिट इसकी, तो वही हम शो कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक्स आई जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाई करता है। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल थीटा लिया है, नॉर्मल थीटा थीटा, तो नॉर्मल का जो एक्स होता है वो
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करता है। यहाँ पे केवल कंडीशन ये है कि थीटा ग्रेटर देन जीरो है। ऐसा हो सकता है ना कि हम एक्स वन एक्स टू एक्स एन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले, लेकिन थीटा जो होगा उसका जो पैरामीटर है यानी मीन है वो ग्रेटर देन जीरो, पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो एक्स बार में भी निगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखिए ये भी निगेटिव हो सकता है, ये भी निगेटिव हो सकता है ना, टोटल के टोटल एक्स बार का वैल्यू भी निगेटिव हो सकता है। तो हम लोग कुछ सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब आर वन आर टू जो आपका है वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन वन, अगर आर वन लेस देन जीरो हो जाए और आर टू भी लेस देन जीरो हो जाए तो हम इस पाइवोटल क्वांटिटी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें कोई भी इंटरवल नहीं देगा थीटा के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए ना, थीटा कहता है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ये दोनों के दोनों लेस देन जीरो हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट प्रोवाइड द सेंसिबल एस्टिमेटर हियर। अगला देखते हैं कि जब सिचुएशन टू को देखते हैं, अगर आर वन लेस देन जीरो है लेकिन आर टू यानी लोअर लिमिट लेस देन जीरो और अपर लिमिट ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा डिजायर्ड जो वन माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो होगा जीरो से आर टू, है ना, विच इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। यहाँ पे आप आर टू का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से टी टू का वैल्यू निकालना होगा, टी टू का वैल्यू आपको इससे नहीं निकालना होगा बल्कि इससे निकालना होगा, टी एन माइनस वन वन माइनस अल्फा से निकालना होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है, जो भी आपके रिक्वायर्ड सिचुएशन है कि आप शॉर्टेस्ट इंटरवल निकालना चाहते हैं, सेंट्रल इंटरवल निकालना चाहते हैं, इस तरीके से आप कोई भी अपना लगाइए, टी का वैल्यू निकालिए, दैट्स विल बी आंसर जीरो से दिस। एक और सिचुएशन इसका है कि आर वन और आर टू अगर दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो हो तब आपका हंड्रेड वन माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होगा वो जायज होगा आर वन आर टू, और वो होगा एक्स बार माइनस टी वन एस बाय रूट एन और एक्स बार प्लस टी टू एस बाय रूट एन। यहाँ पे टी वन और टी टू इस तरीके से आपको चूज करना है कि जो आपका स्टार है ऊपर वाला वो सेटिस्फाइड हो जाए, या फिर आप सिंपली ऐसे कि टी जो अपना था जिसको हमने पिवोटल क्वांटिटी माना था वो टी वन टी टू के बीच में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी वन माइनस अल्फा हो जाए। ये आपका जो है सिचुएशन, ये सिचुएशन मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, बट जो नेक्स्ट आपका पिवोटल क्वांटिटी लूंगा उसमें मैं इस सिचुएशन को शो करके आपको कम्प्लीटली जो है दिखा दूंगा कि आप इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे। ये मैं इसमें नहीं शो कर रहा हूँ, अगले में शो कर देता हूँ, ठीक है। दो इसको करने की जरूरत नहीं है, इतना लिखना ही काफी है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में केवल हमें पिवोटल क्वांटिटी की यूज दिखानी थी। चलिए नेक्स्ट जो आपका देखते हैं, थर्ड वाला जो पोर्शन है उसमें आप देखिए, मान लीजिए कि टी इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा, यानी दिस विल फॉलो का स्क्वायर एन माइनस वन, टी ग्रेटर देन जीरो ऑब्वियसली। अब हमें यहाँ पे टेंशन नहीं है क्योंकि टी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, ये अपना पिवोटल क्वांटिटी ले लिया। देखिए एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई थीटा के वन से के टू के बीच में जाएगा, वन माइनस अल्फा होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की के वन से के टू के बीच का जो है वन माइनस अल्फा हो जाएगा ये। अब देखिए एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई के टू थीटा और एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई के वन ये आपका हो जाएगा, यानी कि एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई के टू एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई के वन जो होगा वो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, वन माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल, हमें केवल के वन और के टू की वैल्यू मिल जाए। तो अब देखिए तो और K1 की और K2 के वैल्यू इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कि T lies between K1 and K2 should be 1 minus alpha। आपका क्वेश्चन जो है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया वो यहाँ तक फिनिश हो जाती है, बट मैं थोड़ा सा इसको जो है इन जनरल टर्म जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ कि ये वाला चीज जो है आप K1 और K2 निकालेंगे कैसे। पीछे वाले में भी सेम मेथड आप लगा सकते हैं, बस आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। कहता है द क्वांटिटी K1 और K2 आर ऑफन सेलेक्टेड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 लेस देन T is equal to alpha by 2 and probability of T greater than K2. Such a confidence interval is referred to as equal tail confidence interval or central confidence interval for theta. ठीक है, ये आपको पता है, ये एक जनरल स्टेटमेंट हमने दिया है और कुछ भी इसमें नहीं किया है कि आपको जनरली जो है हम लोग सेंट्रल कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं या इक्वल टेल कॉन्फिडेंस इंटरवल ही लेते हैं। आप जानते भी हैं कि हम लोग लिखते हैं जेड अल्फा माइनस जेड अल्फा बाई टू और जेड अल्फा बाई टू, तो इस तरीके से आप देखते हैं। कहता है टू ऑब्टेन द शॉर्टेस्ट लेंथ कॉन्फिडेंस इंटरवल नोट दैट द लेंथ ऑफ द इंटरवल जो हो जाएगा वो आपका इतना के बराबर एल इक्वल टू एन माइनस वन एस स्क्वायर वन बाई के वन माइनस वन बाई के टू के बराबर हो जाएगा, विच आर टू मिनिमाइज सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि के वन से के टू एफ टी टी जो आपको हमने लिखा था ऊपर कि ये देख लीजिए ये वाला, तो इसको वैसे ही लिखा जा सकता है इस तरीके से डी टी इक्वल टू वन माइनस, जहाँ पे टी का पी डी एफ आपको पता है यानी एफ टी टी पता है का स्क्वायर एन माइनस वन है। अब इसको देखिए दो को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या होगा, अल्फा के वन और के टू का कुछ फंक्शन मिलेगा और उसमें और भी कुछ एक्स वन एक्स टू एक्सन होंगे, डजंट मैटर एक्स वन एक्स टू एक्सन के बारे में, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू पता होगी हमें। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो के टू को के वन के टर्म्स में ढूंढ सकते हैं, ठीक है, किया नहीं गया है और जरूरत भी नहीं है।
आपको फिर यहाँ पे देख सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे टू विथ रेस्पेक्ट टू के, क्योंकि देखिए ये सब चीजें जो है न्यूमेरिकली चलेंगी, आपको ये सारी चीजें जो है आगे मैं समझाऊंगा अभी। तो दो को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन होगा डी के टू बाई या डेवा के टू बाई डेवा के वन एफ टी के टू माइनस एफ टी के वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, डेवा के टू बाई डेवा के वन इक्वल टू एफ टी के वन बाई एफ टी के टू हो जाएगा। अब मिनिमाइजिंग इक्वेशन हमको मिनिमाइज किसको करना है, लेंथ को, तो डेवा एल बाई डेवा के वन, क्योंकि अब जो के टू है वो भी तो फंक्शन ऑफ के वन है, तो ये आपका इस तरीके से कट के आ जाएगा, आप इसको करेंगे तो, है कि नहीं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेवा एल बाई डेवा के वन, अब यहाँ पे एल जो है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दिए के वन के रिस्पेक्ट में, तो आपका ये आ गया। अब देखिए डेवा के टू बाई डेवा के वन लास्ट में होगा, जो कि आपका इसके बराबर हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आपका एक कंडीशन आ जाएगा दिस। अब मैं आपको बता दूं कि ये कंडीशन जो है इसको न्यूमेरिकली फॉर डिफरेंट एन आपको जो है इसको एस्टिमेट करना होगा, एन की वैल्यू को डिफरेंट, द लेंथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल दिस विल बी मिनिमम, जो आपका n माइनस वन एस स्क्वायर बाई के टू एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई के वन है वो मिनिमम होगा अगर के वन एंड के टू आर चूजन सेटिस्फाइंग द सब सेटिस्फाइंग थ्री, देख लीजिए ऊपर हमने थ्री अभी दिखाया था, ये इसको सेटिस्फाई करता हुआ हमें लेंथ लेना है, के वन और के टू का वैल्यू ही नहीं होगा ना, के वन के टू का वैल्यू ही उसकी लेंथ को डिसाइड करेगा, तो के वन और के टू का वैल्यू इस तरीके से लेना है कि वो उस पैसे वाला चीज सेटिस्फाइड हो जाए। और ये जो आपका देगा, ये आपको मैंने कभी नहीं कहा कि ये आपको इक्वल टेल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल देगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन थ्री जो अभी हमने आपको शो किया था वो फॉर ईच एन न्यूमेरिकली सॉल्व किया जा सकता है जब एन का वैल्यू आपको दिया जाए 5, 10, 20 इस तरीके से, लेकिन जो एसिम्प्टोटिक रिजल्ट है आपका, जो एसिम्प्टोटिक रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का होता है कि K1 का वैल्यू ले लीजिए काई स्क्वायर एन माइनस वन अल्फा बाई टू एंड K2 का वैल्यू ले लीजिए काई स्क्वायर एन माइनस वन वन माइनस अल्फा बाई टू। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर है जो इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस RBI ग्रेड बी की जो DSIM की एग्जाम होती है उसकी, IIT जैम मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स और गेट स्टेटिस्टिक्स की प्रिपेरेशन कराती है। हमारे यहाँ क्लासेस जो है वो 26 जुलाई से ऑनलाइन बेसिस पे स्टार्ट हो रही है, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस जो है आपको 31 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जो है मंथली आप एक डाउट फ्री में पूछ सकते हैं विदाउट ज्वाइनिंग एनी कोर्स, ठीक है। तो आप जो है उसके लिए हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8227056819। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.sunriseclassesiss.com, तो आप कनेक्टेड रहिए और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।